अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in Avukai. हमारी बेटी को किडनैप करेगा, लेके जाओ इसको और इस औरत को भी पकड़ो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, क्या बकवास है। लेके जाओ, छोड़ो मुझे। कुहू कनक, दादा आपसे बात करते ही हमने डॉक्टर साहब को बुला लिया था। अच्छा, वापस आ गई कनक को लेकर? कैसे? मैं ले आए कनक को। जय भोलेनाथ, जय भवानी। मैं देखना, ये होश में ही नहीं आ रही है। कोयल कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है, उसको खबर नहीं है कि कनक आई है। खींचो मेरे गाल मत खींचो। कनक, नहीं मुझे ये नहीं खाना, इसमें मिर्ची है। नहीं मम्मा मत मारो, मुझे थप्पड़ मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मम्मा, इधर अंधेरा है, मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगी। मुझे बाथरूम में बंद मत करो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। कनक मत मारो ना मुझे प्लीज। कनक उठो, उठो कनक। क्या हो गया बच्ची को? हे कनक, कनक उठो बेटा। कनक, लगता है बच्ची को पीटा गया है, मानसी को शारीरिक यातना दी गई है, बच्ची पूरी तरह डर के मारे सदमे में है। इसे कौन कर सकता है? नाम तो ये माँ का ले रही है, लेकिन जिसने भी इसकी ऐसी हालत की है ये कानूनन अपराध है। लेकिन जैसे ये रो रही है, बातें कर रही है, कोई माँ तो ऐसा नहीं कर सकती। माँ हो के भी माँ नहीं है वो। देखिए, बच्चे की मानसिक हालत काफी नाजुक है, इसे आप सबको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसे प्यार देना होगा, इसको सुरक्षित महसूस कराना होगा। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सदमा लगना चौंकाने वाली बात है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इसे समय समय पे देते रहना जी। और हर घंटे में मुझे इनकी तबीयत के बारे में अपडेट करते रहना, ठीक है? खाना मत खिलाओ।
खाना ठंडा हो रहा है। नहीं खाया जाएगा वहाँ, वो नन्ही सी बच्ची अचेत लेटी है और हम नहीं खाया जाएगा हमसे खाना। हम भी खाना नहीं खा पाएंगे। ये लोग तो अपने आंसू से, अपनी प्यास और दर्द से अपनी भूख मिटालेंगे। हमारे पेट में भूख की सुनामी आई हुई है। बाबा एक नी वाला तो खा लीजिए। अरे नहीं खाना खाया जाएगा हमसे, गुस्से के मारे दिमाग भनभना रहा है हमारा। एक माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कभी कभी तो लगता है कि ये हंसनी कनक की माँ है ही नहीं। हंसनी कनक की माँ है ही नहीं तो लगेगा कैसे? अरे ये क्या पक गई, सच क्यों निकल गया हमारे मुंह से? क्या मतलब क्या है, माँ है ही नहीं कहा? हाँ हाँ हंसनी नहीं है कनक की माँ। ऐसी होती है क्या माँ, ऐसी जो बच्चे को मारे पीटे धमकाए तड़पाए, जो बच्चे को मिर्ची वाला खाना खिलाए बाथरूम में बंद कर दे, ऐसी होती है माँ? सच पैदा कर देने से ही कोई माँ नहीं हो जाती है। माँ तो ऐसी ऐसी होती है जो अपने बच्चे की खुशी के लिए दुनिया की हर हद पार कर देती है। पर हम तो हंसनी की भी माँ है ना, पर उसकी माँ होने पर शर्म आती है हमको। उसको हमने जन्म दिया, उसकी ग्लानी होती है हमको। काश इस कोख से उसको जन्मा नहीं होता, काश हंसनी की माँ होने का कलंक नहीं लगा होता हम पर, ताकि वो हमारी संतान नहीं, तुम्हारा दुर्भाग्य है। ये अचानक क्या हो गया माँ को? खुशबू, ओह माय गॉड, खुशबू मैड हो गई थी। क्या क्या इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? वो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या क्या पक दिया ये? माय गॉश, इतनी जोर से थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? गाल तो अपना ही है ना? ये क्या चल रहा है? क्या छुपा रही हैं आप हमसे? आई कुछ क्यों छुपाएगी उसे? कुछ भी तो नहीं। आई को तो बस टेंशन हो रही थी हंसनी की। कि अब तो कनक भी नहीं है उसके पास, तो चंदेल भवन में कम बैक करने का आखिरी रास्ता भी बंद। और फिर राजीव, राजीव तो उसको फॉरगिव करने से रहा। वो हंसनी है माँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अभी तो वो पुलिस के पास जाएगी, कोर्ट में जाएगी, राजीव को बदनाम करने के सारे हथकंडे अपनाएगी। और कनक, कनक तो उसका टिकट है राजीव की जिंदगी में वापस होने का। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कनक, कनक उठो, कनक, कनक उठ जाओ। कनक क्या हुआ? कनक तुम कहाँ गई थी? कनक उठो। कोयल बेटा, कनक की तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है वो। जब कोयल का तबीयत खराब होता है तो कोयल की अम्मा क्या करती है? कोयल का ख्याल रखती है। बस अब वैसे ही कोयल अब अपनी कनक का ख्याल रखेगी। ओके ठीक है, जा। कनक जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम खेलेंगे, मिलकर स्कूल जाएंगे और मस्ती भी बहुत करेंगे। और अभी हम तुमको कभी नहीं तंग करेंगे, गॉड प्रॉमिस। अभी जल्दी से ठीक हो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अम्मा ये बोलती क्यों नहीं, आग क्यों नहीं खोल रही है?
नहीं चाहिए लोन, कहा ना, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? बड़बड़ाना बंद करो, हंसनी बोल रहे हैं हम। लकवा मार गया का, कुछ बोलती का है नहीं, हम हंसनी बोल रहे हैं। अभी बोलने की हिम्मत है तुमको? हाँ, अरे तुम इंसान हो कि राक्षस हो तुम? क्या हालत बना दी है तुमने कनक की? जल्लाद, बेशरम, बेहया कहीं की, समझ नहीं आता तुमको? अरे तुम माँ हो या कसाई हो तुम? इतनी छोटी सी बच्ची है वो, तुम पर उसको दया रहम नहीं आई क्या? तुम्हारी हरकतों की वजह से ना वो बच्ची सदमे में है। रख कौन, रख। और मम्मी जी, आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मम्मी जी, ये जो मामला है ना, बहुत गहरा और गंभीर हो चुका है। अगर अब भी आपने उस हंसनी का साथ दिया ना, तो इस घर से दफा कर दी जाएंगी आप, और साथ में हम भी। हमने तो तय कर लिया है, फैसला कर लिया है, जो सही है उसका साथ देंगे हम। और आप ना पाला चुन लीजिए कि किस पाले में जाना है आपको। गौर, व्हाट हुआ शीको? माता आ गई क्या? माय गॉश, देवर तो देखो। लेकिन बात तो एकदम ठीक कह रही थी, यही सही समय है सही पाला चुनने का, ये तय करने का कि किसका साथ देना है। हंसनी की कुंडली में तो वैसे भी राहु बैठा हुआ है, अगर आई ने हंसनी का साथ दिया तो आई की सारी शक्ति शुरू। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट।